दिल्ली से लेकर गुजरात तक और मुंबई से लेकर झारखंड तक जैन समुदाय के लोग अपने तीर्थ स्थलों की सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल हम पानीताला से दूर 8 किलोमीटर दूर रोहिसाला गांव में मौजूद हैं, जहां 25 नवंबर को जैन धर्म में जो आदिनाथ भगवान हैं उनकी 500 साल पुरानी चरण पादुकाएं तोड़ने का खंडित करने का मामला सामने आया था। इस मामले में अभी तक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो जैन समुदाय के नेता हैं, जैन समुदाय के लोग हैं, वो इससे संतुष्ट होते नज़र नहीं आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस मामले की और गहन पड़ताल हो और जो इसके पीछे के लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आज हम लोग जैन समुदाय के लोगों से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या हैं।